हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशीष यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जैसे कि आप देख सकते हैं, हम i20 के सामने खड़े हैं। ये i20 का स्पोर्ट्स वेरिएंट है। आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं कि भाई गाड़ी में क्या क्या हमें फ़ीचर्स मिलते हैं और इसकी प्राइस क्या है गाड़ी का ऑन रोड, और ये सब देखने वाले कि फ़ीचर्स क्या क्या रहने वाले हैं हमारी इस गाड़ी में। तो जल्दी इससे चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जा सकते हो, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, रीज़न बता के कमेंट सेक्शन में। और कोई भी डाउट वाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो जल्दी से चलते करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले ये है हमारी i20 का लुक फ्रंट से। ये कुछ ऐसा सा देते हैं लुक, इसका डोनट सा लग रहा है वैसे तो, बट ये इसका लुक है। आगे यहाँ पे ग्रिल दी हुई है इन्होंने, ये काफ़ी अच्छी लगती है ग्रिल का डिज़ाइन। और बीच में हुंडई का लोगो दे रखा है। इधर की तरफ इन्होंने नॉर्मल ये हेलोजन बल्ब दे रखे हैं, यहीं पर इंडिकेटर भी दिए हुए हैं, नीचे फॉग लाइट्स दे रखी हैं, और DRL भी दिए हुए हैं इस गाड़ी के अंदर। काफ़ी अच्छे लगते हैं वो DRL भी। एक बाकी ये कुछ तरीके इस तरीके की हमें की मिल जाती है, फ्लिप की है नॉर्मल, इसको ऐसे करके खोलते हैं। इसमें लॉक अनलॉक और बूट खोलने का बटन दिया हुआ है। और ये वैसे हुंडई की में फ़ीचर आते हैं कि आप आवाज़ को बंद कर सकते हो, बट जैसे कि आप अनलॉक करोगे तो यहाँ पर आवाज़ आएगी, ORVMs खुल जाते हैं, और यहाँ पर इसके इंडिकेटर्स जलते हैं, इंडिकेट कर देते हैं क्या है सब कुछ। बाकी इस साइड से गाड़ी को देख लेते हैं। ये इसकी साइड प्रोफाइल है। इसके अंदर यहाँ पे आपको ये व्हील कैप सी मिलती हैं, ये अलॉयज़ नहीं है। इनको देखेंगे आप ध्यान से तो ये व्हील कैप्स ही हैं। बाकी इसके अंदर आपको टायर साइज़ 16 इंच का मिलेगा। टायर प्रोफाइल है 195/55 R16 की इसकी टायर प्रोफाइल है, और C8 का टायर मिलता है इसके अंदर आपको। बाकी हमने गाड़ी को कुछ छेड़ा नहीं है, तो अनलॉक करने के बाद खुद ही लॉक हो गई गाड़ी। यहाँ पे आपको ये डोर हैंडल्स मिलेंगे, ये बॉडी कवर में मिलते हैं। ये भाई ने क्रोम लगवा रखा है अलग से, ये बॉडी कवर में मिलते हैं नॉर्मली डोर हैंडल्स। इसके अंदर ये पीछे वाला टायर भी सेम ही है। बाकी साइड से ये लुक ऐसा था। नीचे इन्होंने यहाँ पे i20 की बैजिंग दे रखी है, यहाँ पे दिख रहा होगा अगर आपको तो दिखा देता हूँ। यहाँ पे i20 की बैजिंग दे रखी है इन्होंने, और कुछ पीछे से लुक इस तरीके का आता है। यहाँ पे स्पोर्ट्स की बैजिंग मिल जाएगी आपको, यहाँ पे i20 की बैजिंग मिल जाएगी। ये पूरा यहाँ पे क्रोम लगा रखा है, ये पूरी लाइट नहीं है पर ये क्रोम है पीछे से भी। इसकी एक बार लाइट आपको जला के दिखा दूंगा कि कैसे जलती है। ये बूट है इसके अंदर, इसके अंदर हमें 311 लीटर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है। देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डीप है ये भी। और ये पार्सल ट्रे भी इन्होंने कंपनी से दी थी, हमारी नेक्सॉन में पार्सल ट्रे तो दी नहीं इन्होंने, ये काफ़ी ज़्यादा गलत है। बाकी है थोड़ी हाइट पर है, थोड़ा मतलब डेप्थ है इसकी, बट काफ़ी अच्छे स्पेस है इसके अंदर। शायद लाइट अंदर कोई नहीं मिलती यहाँ पर, बट यहाँ पे हुक्स दे रखे हैं कुछ सामान टांगने के लिए, इधर एक और इधर एक। और नीचे स्पेयर व्हील देखेंगे तो स्पेयर व्हील की हमें तो कहाँ पे भैया इसका, अच्छा इधर है। स्पेयर व्हील देखोगे तो स्पेयर व्हील की टायर प्रोफाइल आपको मिलेगी 185/65 R15 15 इंच के टायर मिलते हैं इसके अंदर। और बस यही था इसके अंदर पीछे से। और इसको बंद करेंगे, बंद करने के लिए यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल दे रखा है इसको बूट को बंद करने के लिए, और यहीं पे पीछे बटन भी दिया हुआ है, वहाँ से आपको इसको खोल भी सकते हैं। पीछे डिफॉगर दिया हुआ है, वाइपर नहीं दिया हुआ है इसके अंदर, बट डिफॉगर वो भी काफ़ी काम कर देता है। पीछे यहाँ पे दो पार्किंग सेंसर दे रखे हैं इसके अंदर, एक ये रहा और एक ये रहा पार्किंग सेंसर। बाकी यहाँ पर नीचे एक कैमरा दिया हुआ है इसमें, यहाँ देखेंगे तो ये कैमरा है गाड़ी का। और साइड से देखेंगे तो ऊपर, और ऊपर यहाँ पर हाई माउंट लैम्प, हाई स्टॉप लैम्प दे रखा है, और वहाँ पर शार्क फिन एंटीना दिया हुआ है गाड़ी में। इधर से देखेंगे तो लाइट के अंदर भी आपको यहाँ पे i20 की बैजिंग मिल जाएगी देखने के लिए। ये इसका फ्यूल लेड है, फ्यूल टैंक की लेड। इसके अंदर ये इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी वो 37 लीटर की दे रखी है। और इसके अंदर ये यूनिक फीचर मिलता है कि इसको यहाँ पर यहीं से आप प्रेस करके खोल सकते हैं डायरेक्टली, अंदर से नहीं खुलता है, अंदर से नहीं खुलता है, यहीं से खुल जाता है। काफ़ी अच्छा फीचर है ये भी, मतलब कन्वीनियंट रहता है, बाहर तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और ये साइड से प्रोफाइल है, इसके अंदर ये क्रोम आपको पहले से मिलता है कंपनी फिटेड, और यहाँ पे भी ये भाई ने बाहर से लगवा रखा है, नहीं तो ये पूरा पूरा क्रोम कंपनी फिटेड मिलता है आपको। और ये पूरा पूरा साइड से लुक है, काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी साइड से भी। पर्सनली आपको कैसी लगी गाड़ी ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। पुरानी वाली i20 आपको ज़्यादा पसंद है या फिर ये वाली नॉर्मल। इसके अंदर वाइपर दे देते हैं, रेन सेंसिंग वाइपर्स नहीं मिलते हैं इसमें, वो शायद से ऊपर वाले वेरियंट में आएंगे। और एक बार गाड़ी के हम चल लेते हैं अंदर। तो ये हमने की गाड़ी वापस से अनलॉक, और जैसे कि आप गाड़ी को देखेंगे इसके अंदर भाई ने ये मैट लगवाए हुए हैं और ये सीट कवर्स हैं। बाकी एक बार सीट को मैं पीछे कर लेता हूँ, हो गई सीट पीछे।
तो इसके अंदर सबसे पहले डोर में दिखा देते हैं। डोर में आपको यहाँ पे ये सारे के सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिल जाएंगे। ये ऑटो डाउन पावर विंडो है, एक बार आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। एक इसको नीचे करेंगे तो पूरा नीचे चला जाता है। ऑटो डाउन है, सिर्फ ऑटो अप नहीं मिलता है इसके अंदर, आपको पूरा पूरा अप करना पड़ेगा। यहाँ पे ORVM एडजस्ट करने के आपको कंट्रोल्स मिलते हैं इसके अंदर, और ORVMs अंदर से आप बंद खोल भी कर सकते हैं। बाकी इसमें यहाँ पे ये हमें ग्रैब करने के लिए हैंडल, जो भी मान लो यहाँ पे कपड़ा वपड़ा रखने के लिए जगह दे रखी है। बॉटल यहाँ पे आ जाएगी, 1 लीटर की बॉटल आ जाएगी, 1 लीटर से बड़ी तो आएगी नहीं। यहाँ पे स्पीकर दिए हुए हैं इन्होंने, स्पीकर पे शायद टॉप मॉडल में देते हैं, बोस के इसके अंदर नहीं है बोस वाले, नहीं तो बैजिंग मिल जाती है उसकी। यहाँ पे ट्विटर्स दे रखे हैं शायद से। गाड़ी के अंदर चल लेते हैं। गाड़ी के अंदर यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा देखने के लिए, आर्मरेस्ट में भी जगह काफ़ी है। ये हैंडब्रेक है इसका, ये 2 कप होल्डर्स दे रखे हैं। गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं हम एक बार। ये 5-स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा आपको यहाँ पे। ये USB का पोर्ट दे रखा है, 12 वोल्ट की चार्जिंग का पोर्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे कुछ नहीं है। मैनुअल AC मिलता है गाड़ी के अंदर आपको। बाकी इसके अलावा एक बार मैं आपको इंजन स्टार्ट करके और दिखा देता हूँ कि अंदर कितनी ज़्यादा इंजन नॉइस आती है गाड़ी में। ये हाँ जी, तो ये मैंने, ये शुरू में जब इंजन स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे थोड़ी सी आवाज़ लगती है, उसके बाद बिल्कुल गाड़ी साइलेंट ही लगती है कि कुछ आवाज़ ही नहीं आती गाड़ी में। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जो कि सेगमेंट में सिर्फ इसी गाड़ी में मिलता है और किसी गाड़ी में मिलता नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इसका। ये यहाँ पे जो इसमें ये दिया हुआ है, स्टीयरिंग व्हील दे रखा है। ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरीके से एडजस्ट हो सकता है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है इसके अंदर। और यहाँ पे आपको वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाती है एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी फीचर्स में काउंट होते हैं। ये देखेंगे आप तो इसकी प्लेसमेंट भी ना ऐसे कुछ कर रखी है कि ये सीधा है और ये थोड़ा सा इधर की साइड टिल्टेड है कि ड्राइवर को कम्प्लीटली अच्छे से दिखे। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पे आपको 4 AC की यूनिट्स दे रखी हैं, ये चारों के चारों इधर हैं, और ये सारे के सारे मतलब इंडिकेटर्स के कंट्रोल और वाइपर के कंट्रोल दिए हुए हैं साइड साइड में। मैनुअल AC तो बता ही दिया था मैंने। और इसके अंदर आप देखेंगे तो ग्लव बॉक्स में भी डिसेंट स्पेस मिलती है, काफ़ी, बहुत ज़्यादा भी नहीं बोल सकते, बहुत कम भी नहीं है, और कूल ग्लव बॉक्स मिलता है इसके अंदर आपको। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे डे नाइट ORVM दे रखा है, ये मैनुअल है, इसके अंदर घंटी लगा रखी है मैंने। यहाँ पे ये आप ऊपर देखोगे तो सनग्लास होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 लाइट दे रखी है, इनको आप सेपरेटली जरा ऑन ऑफ कर सकते। यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता है, यहाँ पे सिर्फ टिकट होल्डर मिलेगा आपको, वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा। इस वाले में देखेंगे आप तो यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाता है और एयरबैग का कुछ ये वार्निंग दे रखी है। ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स दे रखे हैं इसके अंदर, 2 तो ये रहे और तीसरा इधर पीछे यहाँ पे दे रखा है। ऊपर देखें तो रीडिंग लैंप दे रखे पीछे, काफ़ी अच्छी चीज़ है, पीछे की लाइट दे रखी है, हमारी गाड़ी में नहीं है तो वो चीज़ फील होती है हमें। बाकी इस गाड़ी के अंदर बैठने के बाद जो वो ना प्लास्टिक क्वालिटी है, और काफ़ी जो मैं अंदर प्रीमियमनेस फील होती है गाड़ी में, प्रीमियम हैचबैक बोलते हैं इसको, काफ़ी पता चलता है अंदर बैठने के बाद कि हाँ भाई गाड़ी में पैसा लगाया है, प्रीमियम है सही में गाड़ी। छोटी छोटी चीज़ों को देख के लगता है कि भाई वो ना बिल्कुल फिट फिनिश टच है बिल्कुल। और यहाँ पर क्वालिटी देखोगे इसकी भी तो बिल्कुल अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा मतलब बटन सब की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दे रखी है। तो हुंडई तो वो तो फेमस है अपने इस चीज़ के लिए। ये हॉर्न की आवाज़ आती है जो भी अंदर आती है। बाकी गाड़ी काफ़ी अच्छी है, अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लगती है। ये बीच में से पूरा का पूरा इसका लुक देखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा आ जाता है, पूरा इसका लुक है ये। ये इसका व्यूइंग एंगल मेरे यहाँ पर मेरी नज़र ये देख पा रही है, व्यूइंग एंगल ये है इसका। और चलो ये कुछ ऐसा सा इसका ये दिखता है डिस्प्ले जब आप ऑन करते हैं गाड़ी को। बाकी यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल मिल जाते हैं और यहाँ पे MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये बिल्कुल क्रेटा स्टाइल में इन्होंने स्टीयरिंग व्हील दे रखा है इसका, काफ़ी अच्छा लगता है ये भी, पकड़ने में भी काफ़ी है अच्छा और स्मूथ भी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी चल देते हैं गाड़ी के पीछे हम एक बार, चाबी निकाल लो पहले और चलते हैं, और पीछे वाले डोर में चलते हैं। पीछे वाले इसमें यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे ये ग्रैब ओपन खोलने के लिए दे रखा है, ये पावर विंडोज़ के लिए दे रखा है, पकड़ने के लिए। नीचे बोटल होल्डर दिया हुआ है, थोड़ी सी जगह है, बोतल तो शायद छोटी आएगी इसके अंदर, ज़्यादा बड़ी आ नहीं पाएगी। और एक बार अंदर बैठ के और दिखा देता हूँ आपको क्या है आगे वाले। यहाँ पे इन्होंने जो ये दे रखे हैं हेडरेस्ट, ये हाइट एडजस्टेबल है, पीछे कोई हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता, शायद हेडरेस्ट भी हेडरेस्ट तो है, हाइट एडजस्टेबल नहीं है पीछे।
और नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एसी दे रखा है, ये काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर जगह दे रखी है और यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट भी दिया हुआ है नीचे इन्होंने। आगे वाली सीट शायद पूरी पीछे है, उसके बाद मेरी हाइट 5'9" है, तो देख सकते हैं इतनी जगह बच रही है, काफ़ी अच्छी है ये जगह भी। वो वाली सीट नॉर्मली एडजस्टेड है, उसमें तो और भी ज़्यादा जगह आएगी, बाकी पीछे से भी हो गया। और चलो बाहर चलते हैं अब भाई, आदत पड़ रही है इसके अंदर। हाँ, एक व्हील बेस भी इसका सबसे ज़्यादा पूरे सेगमेंट में क्या, अपने से ऊपर के सेगमेंट में भी काफ़ी सबसे बड़ा इसका व्हील बेस है, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है, राइड क्वालिटी उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है। बाकी ये सब था हमारी गाड़ी के अंदर। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर सकते हैं। बाकी चलिए, टाटा बाय बाय, आगे किसी वीडियो में मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए बाय।